तो दोस्तों, सैटिका का दर्द यानी ये कमर में दर्द और कमर से पैर के नीचे तक एक करंट की तरह दौड़ता हुआ दर्द जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, जिसे सैटिक नर्व पेन बोलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये सैटिका पेन होता क्यों है और इसमें हमें क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए और क्या आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं ये बताऊँगा कि कौन सा आयुर्वेदिक आसन है जिसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं और हमें खाने पीने में विशेषकर किन चीज़ों का परहेज रखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाटिका, सियाटिका एक नर्व होती है। ये सियाटिका हमारे लंबर रीजन यानी कमर के बीचों बीच से निकलती है और ये हमारे दोनों पैरों में जो पैर की एड़ी होती है वहाँ तक जाती है। जब कभी हमारी बोन्स में कंप्रेशन आता है, बोन के बीच में जो कार्टिलेज होती है या तो वो डैमेज होती है या कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है, तो वो सियाटिका नर्व दबना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कुछ कारण होते हैं। फीमेल्स में ज़्यादातर कैल्शियम की प्रॉब्लम आने लगती है 30 साल के बाद, तो उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। जो नॉर्मल गद्दों के अलावा जो स्पेशल आजकल गद्दे चलने लगे हैं उन पर सोते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। विशेषकर यही रीजन इसके देखे गए हैं, या ज़्यादा वजन उठाना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें हमें क्या मेडिसिन यूज़ करनी है ये हम देखते हैं। आपको हार श्रृंगार या जिसे पारिजात भी बोलते हैं, आपको उस पौधे को देखना है। उस पौधे के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे नुमा पार्टिकल्स निकले होते हैं, इस प्रकार का पत्ता होता है वो। उस पत्ते को आपको 4 से 5 पत्ते लेने हैं। उन 4 से 5 पत्तों को अच्छे तरीके से पीस करके उसे 2 गिलास पानी में डाल दें और 2 से उबालने के लिए रख दें। जब वो 2 गिलास पानी 1 गिलास या उससे भी कम रह जाए तो उस पानी को आपको सुबह पीना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको सिंहनाद गुग्गुलू, आयुर्वेद में सिंहनाद गुग्गुलू आता है, उसकी 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को लेनी है। साथ में आपको रात में सोने से पहले 1 चम्मच सुंठी चूर्ण का उपयोग करना है, यानी सौंठ जिसे बोलते हैं, ड्राई जिंजर भी बोलते हैं। इसका आपको गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। अब आसन कौन सा हम इसमें कर सकते हैं, इसमें सबसे बेस्ट आसन भुजंग आसन बताया गया है, जो आप YouTube पर कहीं भी देख सकते हैं और अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। बाबा रामदेव ने भी इसमें काफ़ी भुजंग आसन पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें हमें खाना क्या नहीं चाहिए। विशेषकर इसमें हमें दही का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में दही को अविशंदी बोला गया है, जो स्रोतस यानी कि चैनल्स को ब्लॉक करता है, तो दही को नहीं खाना है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार की खटाई का हमें परहेज करना है और वजन उठाने से हमें बचना है, और इस प्रकार के गद्दों का यूज़ ना करें जो आजकल फोम के गद्दे चलते हैं, उनका यूज़ ना करें, विशेषकर रुई वाले गद्दे और नॉर्मल बेड पर आप सोएं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो सियाटिका के ऊपर। यदि आप सियाटिका के ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर सियाटिका के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।